इस वीडियो हम बात करेंगे सोशल मीडिया एसईओ के बारे में। सोशल मीडिया एसईओ क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सोशल मीडिया का एसईओ ये कैसे हो सकता है। एसईओ तो वेबसाइट का होता है, सोशल मीडिया कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। सोशल मीडिया का एसईओ हर अकाउंट का होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो। ठीक है, सबका सोशल मीडिया एसईओ होता है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना सबके लिए है, मतलब कि पर्सनल यूजर के लिए भी और बिजनेस यूजर के लिए। मतलब जो कि ऐसे यूजर जो मतलब सोशल मीडिया के अकाउंट के द्वारा वो फेमस होना चाहता है, या फिर वो जो है कि अगर बिजनेस उसका है तो वो भी जो है कि इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि सोशल मीडिया से क्या होता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? दिस इज आमिर, वेलकम टू कैशुअल मार्केट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया एसईओ क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे एक अपील है कि अगर आपने जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सोशल मीडिया एसईओ को स्टार्ट करने के लिए जाएगा हम सबसे पहले जाएगी इंस्टाग्राम से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जाएगी पर्सनल यूजर भी ज्यादा है और बिजनेस यूजर भी ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम में जो कि एसईओ कैसे करना है। अब देखो जो भी मतलब आपका नीच है ना, उस नीच के हिसाब से आपको जो यूजर ने बनाया, जैसे मान लो कि आपका आपका जो नीच है वो जो कि फिटनेस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका नेम होगा ना, तो फिट मंजीत या फिर फिट राहुल, फिट रेहान है ना, जो भी है आपको जो कि ऐसा यूजर नेम रखना है, ताकि जो कोई भी अगर सर्च करेगा फिट है ना, कोई भी फिटनेस को सर्च करेगा तो आपका जो अकाउंट है वो जो कि टॉप पे दिखेगा। ठीक है, अगर आपको जो कि मार्केटिंग का है तो आप जो कि मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हो, तो आपको क्या करना है कि डिजिटल अमित, डिटेल राहुल, डिटेल रेहान, जो भी हो मतलब जो भी आपका नाम हो उसके पहले आपको डिटेल लगा देना है, या फिर मार्केटिंग राहुल है ना, मार्केटिंग है ना आमिर, जो है कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो है कि मैंने यूजर बनाया है कॉस्मेटिक मार्केटर करके। ठीक है, क्योंकि इसमें भी मार्केटर है। ठीक है, तो जो भी आपका नीच है ना, उसी नीच के हिसाब से अपना यूजर नेम सेट करना है। मतलब जो भी आपका नीच है, मान लो फैशन कहते हैं उसमें फैशन वर्ड आना चाहिए उसी यूजर नेम में। ठीक है, फिटनेस कहते हो फिटनेस वर्ड उसमें आना चाहिए यूजर नेम में, राइट। हालांकि जो इंस्टाग्राम है वो जो है कि एक सर्च इंजन नहीं है, फिर भी जो है कि वहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, 25% लोग जो वहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो अगर जो कि आपका यूजर नेम जो कि आपके नीच से रिलेटेड होगा तो लोग आपको सर्च करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो टॉप पे आएगा। ठीक है, ऐसे में क्या करना है कि जो भी आपका बायो है ना, उस बायो में भी जो है कि आपको जो है कि अपने नीच के हिसाब से कीवर्ड ऐड करने हैं, ताकि जो है कि आपकी प्रोफाइल सर्चेबल हो जाए। ठीक है, तो ये तो जो कि इंस्टाग्राम में जो कि आपको ऐसे करना है। ऐसे जो कि फेसबुक में क्या करना है कि जो भी आपका प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में बायो होगा, तो उस बायो में जो भी आप वर्क करते हो, जो भी सर्विस देते हो ना, जो भी जो है कि जो भी आप कुछ करते हो उसको ऐड करना है अपने बायो में फेसबुक में। ठीक है, और जो भी आपने जो भी आपका जो नीच होगा ना, आपने अगर जो मॉडलिंग का है, फिटनेस का है, मार्केटिंग का है, तो आपने एक पेज जरूर बनाया होगा। ठीक है, उस पेज को फुल्ली ऑप्टिमाइज करना है, मतलब कैसे, उसमें क्या करना है आपको जो कि लोकेशन डालना है, और अगर आपकी जो वेबसाइट होगी तो उस वेबसाइट का वहाँ पे लिंक ऐड करना है, टाइमिंग डालना है अगर आपकी बिजनेस है तो कब से कब बिजनेस ओपन रहेगा। ठीक है, और रेटिंग वगैरह भी जो है कि अच्छी कर लेनी है अपनी पेज की। ठीक है ना, प्लस उसमें जाएगी जो भी उसमें अबाउट अबाउट द पेज का जो ऑप्शन आता है ना, उसमें जाएगी जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में जाएगी वहाँ पे अच्छे से मेंशन करना है, उसमें कीवर्ड डालना है, जो भी आपका नीच है ना उसमें जाएगी आपको कीवर्ड डालना है, जो भी आप मतलब जो है कि आपका जो नीच होगा उस हिसाब से आपको जो है उस अबाउट अस में जो है कि आपको कीवर्ड डालना होगा। ठीक है, और आप जो है ना जो भी आपका जो पेज है उसमें जो है कि आप कॉल टू एक्शन डाल सकते हो, जैसे मान लो बुक नाउ करके, या फिर जो है कि अगर अगर ये कॉल करना चाहते हैं क्लाइंट से जो है कि आप, तो वहाँ पे अपना नंबर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जो है कि अपना जो पेज है जो कि फुली ऑप्टिमाइज कर देना। ऐसे में क्या करना है कि जो भी आपका जो पेज है ना फेसबुक पेज, उसमें जाके जो भी कवर होता है ना फेसबुक पेज जो कवर होता है, उसमें जाके आपका कवर ऐड करने हैं, और उसमें जाके जो भी आपका जो नीच है उस नीच के हिसाब से उसमें जाके कीवर्ड भी ऐड करने हैं। ठीक है, तो ऐसे जाके अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और सर्च वाली बना सकते हो, कोई अगर सर्च करेगा पेज को भी तो आपका पेज टॉप पे आएगा। ठीक है, देखो चलते हैं यूट्यूब पे। अब देखो यूट्यूब जो है कि आपका बहुत बड़ा इसमें पोटेंशियल है जो है कि यूट्यूब में, अगर आप बिजनेस ऑनर हो। ठीक है, मतलब अगर जो है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तब भी, या फिर जो है कि अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो तब भी जो है कि इस यूट्यूब से जो है कि बहुत हेल्प मिलेगा आपको क्लाइंट बनाने में और क्लाइंट नया पाने में। ठीक है, तो इस मान लो जो कि आप जो है ना फिटनेस मॉडल हो, या फिर जो कि आपका ये रेस्टोरेंट है ना, या फिर होटल है, या फिर जो है कि आप एक जगह डिजिटल मार्केटर हो और सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप जो है ना जो है कि यूट्यूब का यूज़ करके आप बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट जो है कि बना सकते हो और नया क्लाइंट पा सकते हो। ठीक है, तो अगर जो है कि आप फिटनेस फ्रीक हो, या फिर जो कि अगर अगर आपका जो कोई भी बिजनेस है तो आपने जो यूट्यूब चैनल जरूर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है, उस यूट्यूब चैनल का यूज करना है कैसे, भी आपका नीच है उस नीच के हिसाब से आपको जो वीडियो बनाना है। ठीक है, और वीडियो बना करके उसका टाइटल जो है कि उसमें टाइटल में जो है कि अपना जो भी नीचे उसका कीवर्ड डालना है। ठीक है, टाइटल में भी, और जिसपे वीडियो बनी है ठीक है उसका कीवर्ड डालना है, और डिस्क्रिप्शन में भी जो है कि उस वीडियो के हिसाब से कीवर्ड डालना है, जो भी आपने वीडियो बनाया है उस हिसाब से जो है कि आपको कम से कम 4-5 कीवर्ड उस पर डालने हैं डिस्क्रिप्शन में, और उसका जो टैग होता है ना उसमें जो है कि आपको कीवर्ड डालने हैं अपने वीडियो के हिसाब से, जो भी आपने जिस टॉपिक आपने वीडियो बनाया है उस हिसाब से जो है कि आपको कीवर्ड डालने हैं टैग में। ठीक है, तो आपको जो है कि टाइटल हो गया, टाइटल में जो कि आपका कीवर्ड हो गया, और
डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड हो गया और टैग में भी हो गया, ठीक है। प्लस आपको जो है कि जो थंबनेल होता है उसमें भी जो है कि आपको जिस हिसाब से वीडियो है उस हिसाब से आपको जो है वहाँ कीवर्ड डालने हैं थंबनेल में भी, ठीक है। कीवर्ड मतलब कि टॉपिक मतलब जो भी हेडिंग वगैरह उस हिसाब से आपको डालने हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी वीडियो है ना वो जो है कि अपने नीज के हिसाब से जो है वो रैंक कर जाएगी, मतलब जो भी अगर जो है कि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कोई भी सर्च करता है यूट्यूब पे तो आपकी वीडियो जो है कि शो करेगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर जो कि बार बार आप जो है सर्च में आओगे तो जो है कि अगर आपका बिजनेस होगा तो आपको लोग कॉल करेंगे और क्लाइंट बनेंगे, ठीक है। तो ये जो बहुत बेस्ट तरीका है जो यूट्यूब जो है ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल इसमें जाएगी क्लाइंट को लाने में, ठीक है, नया क्लाइंट बनाने में, ठीक है ना। इसलिए जो है ना यूट्यूब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्लाइंट बनाने में। तो ऐसे ही तुम्हारा जो है ना लिंक्डइन है और स्नैपचैट है, ठीक है, और जो कि पिंटरेस्ट है, इन सब में जो कि आपको बस कीवर्ड का ही जो कि आपको ध्यान देना है, अपनी नीच के हिसाब से वहाँ पे कीवर्ड ऐड करने हैं और फुल्ली ऑप्टिमाइज करने हैं अपने पेज को या फिर जो कि अपने अकाउंट को, ठीक है। अब देखो जो लिंक्डइन है उसमें भी क्या है कि वहाँ पे ना मतलब प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है, मतलब वहाँ पे कोई जो है कि ज्यादा लोग जो है ना जॉब के लिए वहाँ पे जो है कि होते हैं, जॉब स्टडी जो है कि वहाँ पे प्रोफाइल होती है, ठीक है। मतलब ऐसे मतलब जो ऐसे कोई फेक लोग वहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो भी जेन्युइन बंदे हैं वो जो है जो आपका अकाउंट मतलब जो प्रोफाइल है ना लिंक्डइन की वो जाएगी बी टू बी के लिए सही है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस के लिए वहाँ पे सही है, बी टू सी के लिए वो उतना बेस्ट नहीं है। बी टू सी के लिए तो आपको जो है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक भी ठीक है, ठीक है, और यूट्यूब है, ठीक है। तो आपको जो लिंक्डइन में जो है कि अगर आपको प्रोफाइल बनानी है तो आपको जो है कि कनेक्शन बिल्ड करने होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जेन्युइन अकाउंट मिलते हैं, ठीक है। वहाँ भी जो कि आपको जो कि अच्छा क्लाइंट मिल सकता है। तो अगर जो कि आप बी टू बी सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको जो है ना वहाँ पे भी अच्छा जो है कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है ना लिंक्डइन पे, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको यही करना है सोशल मीडिया एसईओ, यही होता है कि आपको जो है ना सर्च में लाना अपने प्रोफाइल को अपने पेज को, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैंने बता दिया, बस कीवर्ड का खेल है, कैसे कीवर्ड का अरेंज करना है, कैसे जो है कि आपको करना है, ठीक है। अब यूट्यूब में एक चीज और बता दूं आपको, जाएगी अभी जो कि मैंने बताया था आपको जाएगी यूट्यूब वीडियो को एसईओ कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो कि अगर आपको पूरे चैनल को एसईओ करना है वो कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको जो है ना जो भी आपका चैनल आर्ट होता है ना उसको जो है आपको सही करना है। अब देखो जाएगी जो भी अब होम पेज पे क्या करना है आपको जाएगी कि जो भी आपका जो नीच है ना जो भी आपका जो जिस बारे में आपका यूट्यूब चैनल है उस बारे में आपको जो है ना एक वीडियो बनानी है और होम पेज पे लगानी है, ठीक है, कि किस लिए जो है कि आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो साइड में होता है अबाउट उसमें उसको आपको लिखना है वहाँ पे कि किस बारे में आपका चैनल है ना, ठीक है, वहाँ पे लिखना भी है और वीडियो भी बनानी है वहाँ पे एक साइड में, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो यूजर जो भी जो ऑडियंस आएंगे ना आपके यूट्यूब चैनल पे तो होम पेज वाले जो वीडियो है वो देखेंगे उसको या फिर देखो उस अबाउट अस वाले को पढ़ेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या फिर अगर आप सर्विस वाले हो या फिर बिजनेस वाले हो तो आपको कॉल भी कर सकते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो यूट्यूब का एसईओ पूरा चैनल का। तो देखो यही होता है आपका जो कि सोशल मीडिया एसईओ, जो कि अब देखो सभी सोशल मीडिया को बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर सोशल मीडिया में जो कि आपको ऐसे ही करना है। जो मेनली है फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब मैंने बता दिया, लिंक्डइन में क्या है वो भी मैंने बता दिया इसको कि वहाँ पे फेक ऊपर नहीं होते हैं, वहाँ पे वो जो है ना एक प्रोफाइल जो है कि होता है बी टू बी के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग जॉब के लिए ही होते हैं मेनली, जो कि वो जो है कि जॉब के लिए बना है लिंक्डइन जो है कि, तो वहाँ पे ज्यादा लोग जो है कि प्रोफेशनल बंदे ही वहाँ पे, फेक पीपल वहाँ पे नहीं है, तो वो जो है कि बी टू बी के लिए सबसे बेस्ट है लिंक्डइन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो सोशल मीडिया एसईओ होता है, ठीक है ना, मतलब सोशल मीडिया में भी जो कि सर्च वर्क करता है, ठीक है। तो आपको करना है तो आप अगर आपको जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है सोशल मीडिया में तो आपको जो कि ऐसे कर सकते हैं हर सोशल मीडिया अकाउंट में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि देखो इस चैनल पे जो कि आपको देखिए सोशल मीडिया की जितनी भी टिप्स होंगी है ना ट्रिक्स होंगी या फिर मार्केटिंग कैसे करना है उसके बारे में इस चैनल में बताता हूँ। तो आप जो अगर आपको ये सीखना है मार्केटिंग अच्छे से और सोशल मीडिया के बारे में जो कि अच्छे से जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।